सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का कैपिटल न्यूज में। आप देख रहे हैं जोहार पलामू में, हूं आपका होस्ट अमित कुमार। हत्या के आरोपी बैजनाथ भुइयां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू एसपी इंद्रजीत महथा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 10 अप्रैल को नावा बाजार थाना क्षेत्र के ताली गांव निवासी प्रयाग भुइयां की हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी ने गांव के ही 4 लोगों पर हत्या करने का संदेह जताया था। दरअसल प्रयाग भुइयां की हत्या जमीन विवाद में किया गया था। मृतक प्रयाग भुइयां और बैजनाथ भुइयां में काफ़ी दिनों से जमीन का विवाद चल रहा था। 10 अप्रैल की रात प्रयाग भुइयां अपने गांव के ही एक व्यक्ति मुनारिक सिंह के साथ शराब पीकर जा रहा था। इसी बीच सुनसान रास्ते में बैजनाथ भुइयां अपने साथी अजय भुइयां, मदन भुइयां और उपेंद्र भुइयां के साथ मिलकर प्रयाग भुइयां को घेर लिया और मारपीट कर टांगी से वार कर उसका गला काट दिया और मुनारिक सिंह को धमकी भी दिया कि यदि वह इस बात को किसी को बताता है तो उसके साथ भी यही अंजाम होगा। घटना की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पलामू एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर जांच की गई। हत्या में शामिल आरोपी बैजनाथ भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया। ये नावा बाजार में एक प्रयाग यादव की हत्या जो है दिनांक 10 अप्रैल को हुई थी, तो उस हत्या के संदर्भ में जो है वहाँ पर कांड भी जो है आईपीसी की धारा 302-34 के तहत दर्ज हुआ था। उसी में जो है एक अभियुक्त जो है बैजनाथ भुइयां की अरेस्टिंग हुई है, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस हत्या के पीछे का कारण जो है जमीन विवाद है और इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं वो हैं अजय भुइयां, मदन भुइयां और उपेंद्र उर्फ सिताबी भुइयां। इसमें हत्या में टांगी हथियार का प्रयोग किया गया था। वो मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य पथ पर चेगौना धाम के समीप मछली लदा पिकअप वाहन पलटा, बाल बाल बचा ड्राइवर। इधर जैसे ही ग्रामीणों को गाड़ी पलटने की सूचना मिली, ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों में मछली लूटने की होड़ मच गई। ग्रामीण के साथ राहगीर भी मछली लूटने में शामिल हो गए, जो जैसे पाया मछली लेकर भागता नजर आया। मामले की सूचना पाकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, तब जाकर हालात पर काबू पाया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कबड्डी के खेल में पलामू की बेटियों ने मारी बाजी, राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विगत 13 से 16 अप्रैल तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में जपला की रहने वाली जूही सिंह व खुशबू कुमारी ने राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं बॉयज टीम में मनीष कुमार ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। जिले का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों को संत मरियम विद्यालय के निदेशक सह पलामू जिला कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश देव ने सम्मानित किया। साथ ही झारखंड जूनियर बालिका टीम के कोच मनोज शर्मा को भी सम्मानित किया गया। मौके पर अविनाश देव ने बताया कि पलामू की बेटियाँ राष्ट्रीय स्तर पर पलामू का नाम रोशन कर रही हैं। बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। समुचित व्यवस्था नहीं मिलने के बावजूद भी पलामू के बेटियों ने पलामू का नाम रोशन किया है। यदि इन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो पलामू में ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं। सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अविनाश देव ने बताया कि अगले माह से डाल्टनगंज में टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाएगा, जिससे बच्चों की प्रतिभा में निखार आएगी। बहुत
खुश हूँ क्योंकि झारखंड का थर्ड प्लेस लगा है और हमने बेस्ट किया वहाँ पे जाके, तो बहुत खुश हूँ। और क्या आगे क्या करेंगे? आगे यही करूँगी कि जब कबड्डी ओलंपिक में आ जाएगा तो ओलंपिक के लिए अब तक तो शामिल नहीं हुआ, होप हो जाए, जब हो जाएगा तो ओलंपिक के लिए भी बोल लाऊंगी, अपने देश का नाम रोशन। क्या नाम है? मेरा नाम जूही सिंह। नगर में एक राष्ट्रीय कबड्डी का आयोजन किया गया था जिसमें झारखंड के प्रतिनिधित्व करने वाले मनोज शर्मा जी कोच और जूही सिंह जी, खुशबू जी और हमारे और प्लेयर लोग गए वहाँ, और प्लेयर लोग ने यह खेल का झारखंड की स्थान और मान को बचाया। उन्होंने तीसरा स्थान लाया पर झारखंड में, और बड़ी गौरव की बात है और बड़ा खुशी की बात है, और मैं शुभकामना देता हूँ इनको। कबड्डी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, गाँव को आगे बढ़ाना है, और हम लोग अगले मंथ में पहली बार पलामू की धरती पर नाइट टूर्नामेंट हुआ कबड्डी का, अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम हम लोग करेंगे, नाइट टूर्नामेंट कबड्डी का करेंगे। हैदरनगर SBI में पिछले 10 दिनों से कैश नहीं है। कैश नहीं रहने के कारण ग्राहकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शादी विवाह के मौसम में लोग बैंक तो आ रहे हैं लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से उन्हें निराश वापस लौटना पड़ रहा है। हैदरनगर SBI में कुल 90,000 खाता धारक हैं। हैदरनगर के अलावा गढ़वा जिले में के लोग भी इस बैंक पर निर्भर हैं। 10 दिनों से लोग इस आस में आते हैं कि आज शायद उन्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें निराश ही वापस लौटना पड़ रहा है। डाल्टनगंज के नावा टोली स्थित शहीद नीलांबर पीताम्बर पार्क बदहाली की बाट जोह रहा है कि कब उसकी बदहाली दूर होगी। पिछले 20 साल पहले इस पार्क को बनाया गया। डाल्टनगंज के लोग अपने परिवार के साथ इस पार्क में कुछ समय गुजार सकें, पर यह पार्क कुछ ही दिनों में बदहाली के कगार पर पहुंच गया और आज तक अपने निर्माण के लिए तरस रहा है। इस पार्क में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है, बैठने की कुर्सियां भी टूट चुकी हैं। पार्क में अवस्थित शहीद नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा भी टूटी हुई प्रतीत होती है, मानो शहीद का अपमान हो रहा हो। अब तो यह पार्क धोबी घाट बनकर रह गया है। शहर के सारे धोबी इसी पार्क में बने तालाब के पानी से कपड़े को धोते हैं और कपड़े को पार्क की दीवार पर सुखाते भी हैं। ऐसा लगता है मानो यह नीलांबर पीताम्बर पार्क नहीं बल्कि धोबी घाट है। पार्क की ऐसी बदहाल स्थिति को देखकर भी पलामू के नेताओं या जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं होता। वहीं डाल्टनगंज की जनता को भी इस बात का अफसोस होता है कि शहर में एक पार्क नहीं है जहां अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकें, और एक पार्क नीलांबर पीताम्बर पार्क है भी तो आज अपनी बदहाली की बाट जोह रहा है। यहां के निवासी कहते हैं कि पार्क की साफ सफाई कराई जाए और पार्क में बैठने की समुचित व्यवस्था भी की जाए। ये जो पार्क देख रहे हैं ये डाल्टनगंज सर पलामू प्रमंडल यहाँ कमिश्नरी है उसका एक ये नज़ारा है, और यहाँ पर ऐसा पार्क है जो कि एक अच्छा और ढंग का पार्क होना चाहिए था। यही चाहता हूँ और पब्लिक भी यही चाहती है पलामू डाल्टनगंज का कि कम से कम एक यहाँ पर पलामू में डाल्टनगंज में एक अच्छा पार्क हो ताकि कुछ अपने परिवार के साथ आकर बैठ सके, दो कुछ मिनट अपना शांति से गुजार सके, कुछ बढ़िया से साफ सफाई रहता तो अपना बैठ सके परिवार के साथ आराम से। जितना भी बनता भी है तो फिर वैसा ही हो जाता है, गंदगी इस पार्क में कमी नहीं हो रही है, गंदगी और जहाँ तक से बढ़ जा रहा है लेकिन कमी नहीं हो रही है। और चोर लोग के आगे तो इतना भी सजाया गया है, बोल बत्ती सब खत्म हो जाता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे पार्क? यहाँ बनना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, और क्या। ऐसे में जिला प्रशासन को सजग होने की आवश्यकता है ताकि एक सराहनीय कदम उठाकर पार्क की बदहाली को दूर किया जा सके, जिससे शहीद नीलांबर पीताम्बर के इस पार्क को लोग याद रखें और परिवार के साथ कुछ समय बिता सकें।
जेसीबी मशीन व 11 ट्रैक्टर फूंकने का आरोपी माओवादी नितेश का सहयोगी हुआ गिरफ्तार। जिले के पिपरा थाना के सरैया गांव से पुलिस ने मोहम्मद असलम शाह उर्फ बिगन साई को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पिछले दिनों पिपरा थाना के डगरहवा पहाड़ के नीचे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क का निर्माण करा रहे कंपनी की जेसीबी मशीन और 11 ट्रैक्टर के साथ मोटरसाइकिल को आग लगाकर जला देने का आरोप है। इस घटना में माओवादी नितेश जी, रतन जी, एनुल जी, कालिका जी व रघु जी भी शामिल थे। जानकारी देते हुए एसपी इंद्रजीत महता ने बताया कि माओवादी सड़क का निर्माण करा रहे कंपनी से लेवी की मांग कर रहे थे। लेवी नहीं दिए जाने पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में गिरफ्तार माओवादी के अलावे मनदीप यादव, चंद्रदीप यादव, प्रयाग यादव, अभिजीत भी और उनके साथ 8-10 अज्ञात उग्रवादी भी शामिल थे। इनकी टीम ने गाड़ियों से डीजल व पेट्रोल निकालकर गाड़ियों को जलाया था। मजदूरों का मोबाइल फोन भी लूट कर ले गए थे। इस घटना की प्राथमिकी पिपरा थाना में दर्ज कराई गई है, जिसमें असलम शाह के साथ सभी उग्रवादी नामजद किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी भी की जा रही है। जो ट्रैक्टर जलाने की घटना हुई थी, उस घटना में जो है एफआईआर हुआ था, उसी में जो नामजद अभी जो हमारे नामजद जो एफआईआर हुआ था उसमें जो नक्सली के रूप में मोहम्मद असलम शाह उर्फ विगन साई और एक मनदीप यादव, इन दोनों की अरेस्टिंग और मनदीप यादव के पास से एक आर्म्स भी, देसी हथियार भी बरामद हुआ है और इन दोनों को जो है जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि असलम शाह उर्फ विगन साय, इसके पास इसकी आय की संपत्ति, आय का कोई स्रोत नहीं है और इसने काफ़ी संपत्ति भी बनाई है। नक्सलियों के लिए लगातार ये रेकी करता रहा, उस दिन भी इसने रेकी की, घटना के पहले भी यह जो है साइट पर गया और यह सरैया का रहने वाला है, तो उस वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट वर्क चल रहे थे उसमें नक्सलियों को लेवी वसूलवाने में इस मदद लगातार कर रहा था और उस दिन भी घटनास्थल पर यह मौजूद रहा। घटना के तुरंत पहले भी इस रेकी करके गया था, तो इन्हीं चीज़ों को ये करते हुए जो है इसकी अरेस्टिंग हुई है। कल सरैया से इसकी अरेस्टिंग हुई, इसको भेजा जा रहा है। इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे अमित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।